वहीं गुमला में एक वृद्ध की हुई हत्या मामले में पुलिस ने नाबालिग सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही हत्या में शामिल खून से सनी टांगी और पत्थर को भी बरामद किया गया है। आपको बता दें कि जिले के परसा नवाटोली में डायन बिसाही के शक में 65 वर्षीय वृद्ध की टांगी से हत्या कर दी गई थी। वहीं इस मामले में पहले भी 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सो गए थे, उसके बाद में वो लोग आया, दरवाजा पूरा फाड़ के पापा को निकाला और बाहर मार दिया। हम लोग का अंदर ही दरवाजा बंद कर दिया। क्या लोग थे? दो ही लोग अंदर घुसा था। 9 बजे रात को ऐसे हुआ। और फिर काका कुछ बोल भी रहा था माने समय? कुछ नहीं बोल रहा था, सीधे मार दिया जान। हाँ, घींच के ऐसे ही निकाला। हम बोले छोड़ दो छोड़ दो। और ज्यादा जानकारी के लिए अजीत सोनी जुड़े हुए हमारे संवाददाता गुमला से। अजीत, यह जानना चाहेंगे आपसे कि एक वृद्ध की हत्या हो जाती है, 5 लोगों की गिरफ्तारी होती है, पिछले भी 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, पूरे मामला क्या है? आखिर क्यों वृद्ध की हत्या हुई है? क्या सिर्फ डायन बिसाही यानी कि जादू टोने का ही शक था इन पर? जी जी बिल्कुल, बता दूं कि ये जो घटना घटी है, ये टोटल मामला डायन बिसाही को लेकर के ही ये घटना को अंजाम दिया गया है। एक नाबालिग की गिरफ्तारी भी अजीत हुई है, जानना चाह रहे हैं आपसे यह कि इससे पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन जो शक होता है जादू टोने के अलावा जमीन हड़पने को लेकर पीछे एक विवाद, जो एक बड़ी वजह आती है वो जमीन हड़पना भी होता है, तो क्या जमीन विवाद चल रहा था इनके बीच? जी नहीं, बता दूं कि यहाँ पे उस दिन पहले से जो रंथू जो थे वहाँ जो वृद्ध थे जिनकी हत्या हुई है, वो गांव में ही रह करके कुछ माने झाड़ फूक का भी काम करते थे और उनको शक था, जो गांव के लोग थे उनको शक था कि जे इन्हीं के कारण से किसी के परिवार में एक बच्ची की 16 वर्ष की बच्ची की मौत हुई थी, जिसको लेकर सारा जो शक का जो सुई था वो जो झाड़ फूक कर रहे थे रंथू मुंडा के ऊपर था, जो कि यही इन्हीं के कारण जो है सो हमारे घर में जो बच्ची थी उसकी मौत हुई है, तो जिसको लेकर देर रात जो है सो कुछ अपराधी उसी गांव के लोग इकट्ठा हुए और एक नाबालिग के साथ 5 लोग मिल करके इस घटना को अंजाम दिए हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका अजीत। तो आपको बता दें कि यह जो घटना है इसके पीछे एक मौत है, एक लड़की की मौत हो गई थी 16 वर्षीय, उसके बाद उस लड़की की मौत के पीछे इस वृद्ध जिसकी हत्या हुई है इनको माना गया और इसी शक के आधार पर, जादू टोने के शक के आधार पर 5 लोगों ने मिलकर एक वृद्ध की निर्मम तरीके से हत्या कर दी, जिसके खिलाफ पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।